Everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. She is a beautiful woman, a successful housewife, an educationist, of course, and very educated, a very educated lady, elegant. And when I talk about um, her career, she is a young uh, political personality, ex MPA. पी एम एल एनज एक्स एम पी एंड ऑफ कोर्स शी इज़ ऑल्सो ना गेटिंग अगेन इन टू वन ऑफ रिजर्व सीट फॉर एम पी ए इन कमिंग फ्यूचर इन कमिंग पॉलिटिक्स इन कमिंग एलेक्शंस वी विल अगेन सी हर सो नाउ लेट्स रिवील हर नेम एंड टॉकिंग अबाउट मिस बुश्रा अंजुम भट्ट आज सभा पॉडकास्ट में बुश्रा वर्सेज बुश्रा होने वाला है उस तरफ बैठी हुई हैं एक्स एम पी ए पी एम एल एन की और इस तरफ बैठी हुई हैं सामा पॉडकास्ट की एंकर बुशरा खान लेकिन ऑब्वियसली मैं कभी भी ये नहीं बताने वाली कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ नहीं बिकॉज आई एम न्यूट्रल पर्सन सो लेट्स टॉक टू हर असलास टाइम थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग यू आर मोस्ट वेलकम क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता है कि आज के इलेक्शन चल रहे हैं तो यू आर एक्चुअली सुपर बिजी एंड आई कैन एक्चुअली रिलेट दैटन आई आई लाइफ आई दिस इज पार्ट ऑफ यूर लाइफ ऑब्वियसली सो मुझे ये बताएं कि आप माशा यूर अंग पॉलिटिशियन तो इट इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड ऑफ कॉर्स यूर यू You're an educated lady. आपने पहले तो आप पढ़ाती थी ना यूनिवर्सिटी yes. में यू यूज्ड टू टीच इन लम्स यूनिवर्सिटी तो एकदम से पॉलिटिक्स में कैसे आ गई अ uh, बुसरा द थिंग इज कि एकदम से तो uh, नहीं कह सकते मतलब uh, बहुत सोच विचार के बाद अच्छा मतलब आपने ग्रेजुअली ग्रेजुअली नो द अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली केम और उसमें यही था कि 60 प्लस परसेंट ऑफ आवर नेशन कंपराइजेस ऑफ यूथ और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक यूथ की कंट्रीब्यूशन इन पॉलिसी मेकिंग नहीं होएगी तो हमारी जो इफेक्टिव लेजिस्लेशन uh, है वो नहीं हो सकती hmm. अब उसके लिए यूथ को एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पॉलिटिक्स दिखाने के लिए और उनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ करने के लिए आई थॉट आई शुड जम्प इन जम्प इन करके मैं उनको दिखाऊं कि सियासत इज नॉट वॉट यू सी ऑन टीवी वी आर लेजिस्लेटर्स फर्स्ट एंड देन पॉलिटिशियंस तो उस हवाले से फिर मेरा था कि मैं किसी तरह जाके कॉन्ट्रीब्यूट करूँ और यूथ का रुझान इधर करूँ इन पॉलिसी मेकिंग ताकिंगेरी गुड डिसीजन बिकॉज यू नो वट वी सी ऑन स्क्रीन इज जस्ट ड्रामा लड़ाई एक्शन थ्रिल अजीब सा ना लेकिन नहीं, behind the curtains, बिल्कुल पॉलिसीज स्ट्रेटीज प्लानिंग एज legislative लेजिस्लेटिव पर्सन दिस इज what वी want. मैं चाहती हूँ uh, मेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सो दैट बिकॉज आपका यूथ के साथ एक बहुत गहरा तल्लु होता mm. है माशा बल्कि बताती जाऊँ आई फील सो प्राउड पॉलिटिक्स अली साई आए थे फ्रॉम पी टी आई और जब वो ओथ लेके आए तो पहली चीज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में जाके कहा कि मैडम यू वो माई टीचर एट लॉम्स तो मुझे बहुत एक डिफरेंट किस्म yeah. की खुशी महसूस हुई फिर नायाब गोहर हैं फ्रॉम पीपल्स पार्टी इसी तरह आई गेट टू सी लॉर ऑफ माई स्टूडेंट्स एंटरिंग पॉलिटिक्स और वो एक अलग से ही खुशी होती है बल्कि अभी इलेक्शन कमीशन में शी केम डायरेक्टली अप टू तो मी एन चीज लाइक मैम हाउ यू तो मैंने कहा mm -hmm. यार इसका एक अपना एक हाई है कि यू सी योर स्टूडेंट्स फॉलोइंग योर फुट स्टेप्स एंड It's definitely very rewarding. Yeah, this is actually, you feel elated because someone's actually following your footsteps and bilkul. you feel motivated. Bilkul, cool, So, you are six siblings, right? Yes. And all are sisters. Yes. Hai, aap, are you the youngest or the. No, I'm Mera number four. Okay, mashallah. <laughs> so, in politics, in family, mein se, pehle se, and you were the one, one yes, and only. I yes, guess. yes. No, none of my sisters actually, uh, nobody's in politics and nobody's working as well. They're all housewives. Oh. Okay. So, मुझे ये था क्योंकि मेरे वालिद साहब का बहुत रुझान था सियासत में और जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे पता था उनको, उनको कितना नून लीग से लगाओ है एंड इट्स सो क्लोज टू हिज हार्ट

<laughs> so i said but uh, I, you know it's your call but uh, i yeah. would like it and he said no no i respect your feelings and yeah. i would want you to carry your father's name i think a, a women after even being getting married should carry बिल्कुल और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू यही है और आपको आपके वालिद के नाम से ही mm. पहचाना जाएगा बट वो यहाँ पे कल्चरल वो बन गया है पहली चीज़ आपने करनी है कि अपना नाम जो है आई कार्ड पे चेंज ah, कराना 네. है बट आई आई थिंक शुड गिव दिस क्रेडिट टू मुझे तो एनजीओ एंड फॉर द पाकिस्तानी गो डोर टू डोर सर्वे क्या क्या मसाइल स्पेशली आपको नजर आते हैं लॉर ऑफ एन जी ओज रिगार्डिंग वेरियर्स इवन फॉर वाइट्स चाइल्ड राइट्स ट्रांसजेंडर राइट वेरी द बिगेस्ट इशू दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ इज हेट स्पीच इन टॉलरेंस और uh, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि uh, जो इनटॉलरेंस है हमारी सोसाइटी में स्पेशली यूथ के अंदर एग्रेशन है और ये uh, बात अप्रूव राइट भी हो गई है कि मैं हमेशा कहती थी ये खाली पॉलिटिकल व्यूज़ तक नहीं होएगी इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट वो आपके रिलीज़स व्यूज़ hmm. आपके जेंडर व्यूज़ आपके जनरल लाइफ के व्यूज के बारे में hmm. मैं हमेशा से कहती हूँ इट्स ओके टू डिस बट दस अ वे टू गो अबाउट इट सो मुझे अभी जो सबसे मुश्किल तरीन जो कहते हैं ना प्रॉब्लम का सामना है वो ये इंटॉलरेंस है और उस हवाले से और वो हर सेक्टर में फिर फॉलो अप ऑन करती है तो अगर खुवान के हकूक की बात करते हैं तो मर्द हजरा बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो रिलीज स्कॉलर्स बहुत अग्रेसिव हाँ हो जाते हैं तो चाइल्ड uh, मैरिज की बात करते हैं तब भी रिलीज कॉलेज की बहुत ज़्यादा वो आ जाती है मेरा ख्याल है कि एज अ सोसाइटी हमें बैठ के देखने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा नज़रिया है ये हमारा जो अग्रेसिव uh, बिहेवियर है और जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है उसके ऊपर हमें किस तरह जो है ना थोड़ा सा उसको मध्यम करना है बिल्कुल ठीक है आपने बुशरा दिस इज़ समथिंग हर कोई नहीं देख रहा इसको हर कोई इस पर टेंशन नहीं दे रहा एंड यू नाउ बीइंग इन पॉलिटिक्स बड़ा मुश्किल होता है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना स्पेशली खुतन के मसाइल को देखना बिल्कुल ऑफ टू यू कि आप करिए एंड आई रियली वांट टू नो वन थिंग मोर कि आने वाली हुकूमत में आप कौन कौन सी पाकिस्तानी मसाइल और ख़वान से रिलेटेड जो उनके हकूक है या उनके जो मसाइल उनमें तब्दीली लेकर आएंगी बुश्रा सबसे बड़ा मसाय जो हमारा खुवान का मसला है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ये तो क्योंकि मैंने ग्राउंड पे दस साल बहुत सारी लेजिस्लेशन भी की है बहुत सारी खुतिन से मिली भी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि और ख़ास तौर पर वी जस्ट रिसेंटली फेस ग्लोबल पेंडेमिक ठीक है उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ इंक्रीज इमेंसली और मेरा ख्याल है इकोनॉमी के जो हालात हैं एक बंदे के चला काम करने से घर नहीं, नहीं सकता। चल सकता और जब वो घर के अंदर मसले मसाइल पैसे से ही आते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी आती है फ्रस्ट्रेशन भी आती है और उसके साथ फिर आप मतलब हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अटैच है मेरी नज़र में मुझे yeah, right. ऐसा लगता है कि खातन को ना सिर्फ एजुकेट करना बल्कि उनको इस तरह के मवाके पेश करना उनके लिए उस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना अगर वी इन अ सोसाइटी अगर एक औरत घर से बाहर स्टेप करती है अपनी वर्क प्लेस तक hmm. और वर्क प्लेस के अंदर तक वी नीड टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी इतना तो इतना तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है और सिक्योरिटी भी ये पूरा एक फुल सर्कल है जिसको हमने बीइंग अ गवर्नमेंट पर्सनल Uh, इसको आफ्टर भी करना है इसको फैसिलिटेट भी करना है hmm. मुझे लगता है बहुत सारी खातीन ऐसी हैं जो हमारी तरफ देखती हैं बिकॉज़ वेरी फ्यू वेमेन गेट दी अपॉर्चुनिटी टू बी इन पावरफुल पोजिशन और ये हमारी ड्यूटी है कि हम जितना भी हो सके, क्योंकि हम लोग काम ही उनके लिए करें देर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अस सो वी शुड डू फायदा हो बिल्कुल राइट आप right. okay. मुझे ये बताइए कि व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स यू हैव बीन एम पी की पार्टी में दो टर्म्स पर आप एम पी रही हैं रिजर्व सीट पर दो हज़ार तेरह और दो हज़ार अठारह अभी दो हजार चौबीस में आठ फरवरी को इलेक्शन होने हैं और पता चलेगा हुकूमत किस की है लेकिन लगता है समाव के पलड़ा भारी है नू नी का एंड वी डू नाट डिसग्री विद दिस फैक्ट आप जब uh, हुकूमत आने वाली है तो मुझे ये पता है कि आप शहबाज uh, शरीफ ग्रुप के साथ हैं या मरीम नवाज शरीफ ग्रुप के साथ है पर एक ऑनेस्ट था मेरा क्वेश्चन है देखिए ये तो ना वो नून और शीन और ये पता नहीं क्या क्या हमने सुना था। सुने हुए हैं बिल्कुल सुने हुए हैं और वेरी वेरी लकी पार्टी टू हैव सच वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज इतनी ज्यादा और मेरा ख्याल है हम जो है ना आ, पार्टी के डिफरेंट हमारे जो लीडरशिप है लीडरान हैं, है नवाज शरीफ हो गए शबाज शरीफ हो गए हमजा साहब हो गए मरियम बीबी हो गए इन सबको मिला के नून लीग बनती है हाँ ये तो है और इनको अगर आप अलग अलग कर दें तो ये कुछ भी नहीं है जब ये सात इकट्ठे होंगे तभी नून लीग बनेगी so, ये सिर्फ एक नोशन है कि दे आर स्प्लिट स्प्लिट एंड डिवाइडेड इनटू देखिए हमेशा वो कहते हैं डिवाइड एंड रूल हाँ जी और ये एक प्रॉपर है और जिन्होंने किया वो सब तितर बितर हो गए ठीक हम तो अभी भी वही खड़े ठीक और नून लीग ने बहुत टफ टाइम देखा है चार साढ़े चार साल और यही हम सोचते थे अब नून में से शीन निकल गया अब शीन में से नून निकल गया तो जो ये सारे तजिये करते थे वो सब तितर बितर हो गए इज नो क्वेश्चन मार्क ऑन इट ईच लीडर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स ओन वे एंड दैट इज वट मेक्स नून लीग सो प्रोग्रेसिव एंड सो पावरफुल माशाला माशा मुझे ये बताया कि इस पर आप कॉन्टेस्ट करी हैं या रिजर्व सीट से बुशरा आई इवन इफ एनी हालांकि इस पर बड़ा uh, बात होती रिजर्व सीट्स को बहुत रिडिक्यूल किया जाता है जी जी और उसको हमेशा से सीट फिलर्स की तरह देखा जाता है मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक बात करती हूँ मैं कहती हूँ कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये इतनी पावरफुल सीट्स है क्यूँकी इनकी वजह से टेक्नोक्रेट्स कैन कम एन बुशरा बात डेव अ हल्का Hmm. और बुशरा बाट का अगर हल्का होता भी तो अगर वो इलेक्ट होके आती भी तो आ, वो सिर्फ लोगों के गैस के बिल बिजली का कनेक्शन जॉब इसी में पागल हो जाती बुशरा बाट का आने का मकसद द होल पर्पज ऑफ मी ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स वॉज टू डू पॉलिसी मेकिंग मैं वो काम ना कर पाती जिधर हाँ, मेरी एक्सपर्टीज है जिधर जो मेरा फोटो है

एवरी पोलिटिकल एजुकेट वुमेन तो वो इंस्पिशन है ना ऑब्वियसली अगर ना जगह मिले तो हम कहें कि भाई क्यों नहीं आती हाँ बिल्कुल तो अच्छी बात है लेकिन यही से एक सवाल उठता है मरियम नवाज शरीफ की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मरियम औरंगजेब को नून uh, दीख में बहुत इंपॉर्टेंस देती है मैंने खुद नहीं देखा जब कभी कोई रैली उनकी चल रही है या कुछ भी टी वी पर कुछ भी चल रहा है तो आई वुड सी वुमेन आफ्टर मरियम नवाज मरियम औरंगजेब अब देर आर सो मैनी अदर वुमेन नून league educated confident good speakers उनको चांस के नहीं मिलता मतलब देर, देर, देर इज़ यू एज वेल बुशरा इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ चांस इट्स अबाउट प्रूविंग योर सेल्फ मरीम औरंगजेब ने जिस तरह वो पोर्टफोलियो संभाला है जिस तरह उन्होंने टाइम एनर्जी और डेडिकेशन दिखाई है hmm. हर पार्टी में यहाँ पे अजमा बुखारी भी है, हिना भट भी है हर किसी का मेरे ख्याल से सियासत के अंदर हर किसी का एक रोल है और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता so, जैसे, no. जैसे जैसे I'm sorry to cut you. No, no, please. जैसे मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है hmm. मुझे ऐसे लगता है कि uh, मैं शायद उस तरह के बयान ना दे सकूं और मेरे टीवी पे आ जाने से शायद पार्टी को नुकसान हो मैं शायद उस तरह डिफेंड ना कर सकूं हर किसी को अपने एक्सपर्टीज uh, का पता होता है ठीक है हालांकि यंग वुमन एंटरिंग पॉलिटिक्स एवरीबडी लाइक्स टू बी फेमस एवरीबडी वांट्स दैट स्क्रीन टाइम एंड it बट मैंने एक डिसीजन लिया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी मैं पार्टी को है। किसी है। और जगह represent कर सकती हूँ ठीक है अब जैसे अजमा कर रही है जैसे हिना भट कर रही है तो ये सब खात की अपनी अपनी जगह है और जो अपनी जगह आप खुद बनाई है उन्होंने और मरियम औरंगजेब ने माशा बहुत डेडिकेशन दी है बहुत ज्यादा टाइम दिया है और जिस तरह वो मरियम बीबी के साथ हर जगह खड़ी रही है तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर ओन स्पेस तो यानी कि सिंस इट्स अ नोशन ना सो व्हाट पीपल थिंक और हेयर और टॉक अबाउट और गॉसिप तो यानी कि जो हम देखते हैं कि मरियम औरंगजेब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही बल्कि डैट इज़ समथिंग शी इज़ बीइंग फिट इन Yes, She, मतलब उन, एग्जैक्ट exactly. मतलब हम ये दैट इज हाउ अ पार्टी वर्क्स ऑल राइट ठीक है ना हर बंदा है. एक स्पेसिफिक रोल के लिए लाया जाता hmm. है जैसे पीएमएलएन uh, के लिए अंदर अभी भी मैं लिस्ट देख रही थी देयर इज अ गुड सो पार्टी वर्कर्स एज वेल और पढ़ी लिखी खातिन भी हैं और बहुत ज्यादा जो वोकल हैं ऑन टीवी वो भी हैं सबको मिला के एक तरह का ये एक सांचा नहीं है कि जो इस सांचे के अंदर ढलेगा वही पार्टी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है एवरीबडी हैज और वही भी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देख लें कोई एच है कोई डिजिटल रहा है कोई मार्केटिंग का हेड oh, right. है तो एक वजह है ना एक एक्सपर्टीज है एक बंदे के अंदर आपको सब कुछ नहीं मिल सकता यानी कि वट एवर वी सी ऑन स्क्रीन एज अ ड्रामा एंड एन एक्शन देर इज अनदर लाइफ डेट इज एक्चुअली वर्किंग सीरियसली बिहाइंड और उसके लिए तो हम चाहते हैं कि आप उस चीज को मतलब शोकेस करें उसका एक्सरे करके बताएं कि हाँ असल बात ये है असल काम यू और है ना आवाम जो देखेगी वो एवरीबडीजन right बट लेकिन वही तो हमने खत्म करना है ताकि पता चले कि जेनवनली काम क्या होता है और क्या चल रहा है क्या डिजर्विंग है बिल्कुल मुझे ये बताए शहबाज शरीफ एंड जो मियाँ नवाज शरीफ है उन दोनों में क्या फर्क है ियाँ साहब इज़ वेरी विजनरी उनका बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग और उनका बहुत एक डिफरेंट अप्रोच टू पॉलिटिक्स है is साहब uh, uh -huh. hands साहब इज़ वेरी और मेरा ख्याल है कि शुबाज शरीफ साहब मैंने पाँच साल बहुत क्लोजली काम किया है और हीज अलिक और उनके तर्ज सियासत से मैं बहुत मुतासर हूँ बिकॉज़ वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिलीवर करना चाहते हैं एंड uh, उनकी टीम जो है वो uh, uh, बल्कि uh, देखे ना दिस इज़ दिस इज़ हाउ uh, मुझे लगता है कि ये नूनली की बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं सो विजनरी एंड वो बड़े काम उनकी अप्रोच है वो सब चीज़ों को देखते हैं परखते हैं फिर जब उसको डिलीवरी का टाइम आता है उसको परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो वो इंप्लीमेंटेशन में शाबाश शरीफ के आगे कोई नहीं वो कहते हैं ना शाबाश स्पीड के आगे नोबडी कैन बीट नाइस गुड सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग यस वेरी गुड मुझे ये बताएं आने वाली जो अह हुकूमत है इलेक्शंस में आने वाली हुकूमत किसकी बनेगी अब देखें ना ये तो आपने ये, पहले खुद ही प्रिडिक्ट कर दिया मैंने प्रिडिक्ट किया है हां चलिए मैं तो कर सकती हूं लेकिन मैं ये चाहती हूं कि व्हाट डू यू फॉर सी और आई थिंक फॉर सी के अलावा तज़िया तो बहुत लोग कर रहे हैं यू शुड आस्क मी वट डू आई विश फॉर आई विश फॉर समबडी टू कम एंड फिक्स माई कंट्री मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत बहुत देर हो गई और अब हम सबको ये नफरत की सियासत ये प्रोपोगंडा की सियासत से बाला तर होके वी नीड टू थिंक अबाउट द कंट्री सो मेरी विश ये है कि हु एवर कम्स

और तो भी यकीन भी है <laughs> नहीं 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 मैं मैं देखिए नून लीग लाहौर वज हमेशा वो नून लीग का गढ़ था और नून लीग hmm. और लाहौर hmm. को तो हमने बहुत डिलीवर करके दिखाया मेरा ख्याल है जिस तरह शहबाज साहब ने डेडिकेशन के साथ काम किया बिकॉज ना सिर्फ लाहौर में पहले बड़ी तनकीद होती थी कि जी लाहौर में ही डेवलपमेंट हो रही है लाहौर वॉज वॉज अ, अ मॉडल सिटी जिसके तर्ज पे हमने बाकी सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट करनी थी जैसे मेट्रो बस आई उस हाँ पर कितनी तनकीद हुई फिर वो फेडरल में गई फिर के पी में गई मतलब पिशावर में क्योंकि वो एक मॉडल सिटी बना के सबको हम बता रहे थे बल्कि उस टाइम पे आई रिमेम्बर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह वुड ऑलवेज कंसल्ट शबाज साहब और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि देखिए एटीन अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि सूबों में इतने डिफरेंसेस आ जाएं कि वो आपस में एक दूसरे से सीख ना पाए अभी भी बहुत सारी लेजिस्लेशन होती है सिंध में जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव है पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बट हमारी थोड़ी सी ईगो आ जाती है कि हम उनकी बनाई हुई लेजिस्लेशन को क्यों yeah, अपनी होनी चाहिए और लेजिस्लेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि दिस इज टाइम मनी एंड रिसोर्सेज दिस इज द टैक्स मनी ऑफ द अवाम और जब hmm. हर कूमत से भी मेरी ये गुजारिश होती है कि आप किसी के लगाए हुए प्रोजेक्ट्स को पोलिटिसाइज मत किया करें hmm. क्योंकि उसमें टैक्स मनी आवाम का है वो आपकी वो आपके पास अमानत है yeah. उसमें बेहतरी जरूर लाएं बट उसको कर, बिल्कुल जो है ना रूल आउट मत करें बिकॉज hmm. आप पाकिस्तान को आप पांच छे सा, दस साल पीछे ले गए जितनी पोलिटिकल ये हुई है बैशिंग विद ऑल द प्रोजेक्ट्स तो मुझे ऐसे लगता है कि वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड मेच्योरिटी दिखानी है और कीपस्तानी वी नीड टू कीप पाकिस्तान फर्स्ट आई विश के ये बात हर जगह पहुंच जाए सही तरीके से और रातों रात, रात कोई तब्दीली आ जाए और ऑब्वियसली देखिये इलेक्शन हैं किसी एक पार्टी ने तो वैसे भी जीत बिल्कुल ठीक है जिसके भी चांसेस है ये जिसके भी नहीं है वो कुछ ना कुछ डिजर्विंग लगी रही होगी तो जीतेगी ना बिल्कुल और फिर वो पॉलिसी मेकिंग वो स्ट्रैटेजीज वगैरह सब मिलकर बना रहे होंगे ऐसा तो नहीं कि आप ब्लाइंडली बस सीटों पर बैठ जाएंगे सो ऑब्वियसली देर विल बी अ चेंज वन एवर हु इज कमिंग सो आई जस्ट होप एंड विश फॉर द पाकिस्तान बेटर मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं नू लीग की तो अब दोबारा मेरा सवाल तो वही है पंजाब फता कर पाएगी पोजीशन हाँ, थोड़ी सी मुझे डगमगाती हुई नजर आ रही थी so इनशाला देखिए मुझे ऐसा लगता है आपने अग्रेसिवली uh, 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 वो करना है डिवेलपमेंट uh, की तरफ आना है अपना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है तो फिर आपको जब जब हंग पार्लियामेंट के अंदर इश्यूज आते हैं बिकॉज देर इज अ लॉर ऑफ के आपकी किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं पास हो पाती hmm. इतनी ज्यादा दर इज ऑलवेज रूम फॉर निगोसिएशन आप फोकस नहीं कर सकते 2013 में हमने बहुत uh, ज्यादा काम कर पाए hmm. बहुत ज्यादा डिलीवर कर पाए बिकॉज वी हैिटी सो हमारा इनिशियल एम तो होगा दैट वी शुड गेट टू थर्ड मेजॉरिटी तो लेकिन जो अभी हालात नजर आ रहे हैं यू you नो know, हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दीली आ रही है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है तो हमारा एम तो टू थर्ड मेजोरिटी का है एंड वी आर होपफुल के वी विल गेट इट बट पाकिस्तानी सियासत है कुछ भी हो सकता है ये तो है ट्विस्ट कभी भी आते भी कभी, पता थोड़ी चलता है अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली मरीम नवाज शरीफ के कुछ इक्तलाफा सामने आए सीनियर पोटिशन जो पी एम एल एन की है तहमीना दुल्ताना उनके कि वो शी एक्स्ट के आपने क्या किया पार्टी के लिए शी वॉज लुकिंग फॉर अ टिकट तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया पार्टी के लिए तो वो कहती है जो सीनियर पोलिटिशियन है बात पार्टी की तो नहीं है तो ये क्वेश्चन मिस नवाज शरीफ का पूछना ये मुझे समझ नहीं आई नहीं, मतलब पार्टी आप, के लिए क्या आई वॉज देयर माई सेल्फ बिकॉज सच क्या है हाँ, सच बिल्कुल ये है कि बड़ा नून लीग एक बहुत रवायती पार्टी है और हम तो अब बहुत अरसे बाद जो नून लीग के साथ पुराने इनके कारकुन इनके पार्टी मेंबरान बेगम कुलसूम के साथ जो थे इनमें बहुत रख रखाव है अच्छा बेगम तमिना ते, दौलताना बेगम कुलसूम की बहुत आ, वो कहते हैं ना क्लोज आ, जो दोस्त कह लें पार्टनर कह लें मुश्किल वक्त में परवेज मशरफ के दौर में उनके साथ शाना बशाना खड़े होने वालों में से ठीक और बात बिल्कुल इस तरह नहीं हुई थी बहुत बहुत लाइट हार्टेड क्योंकि जब सीनियर मेमरान को नुजरत सादेक को सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे बल्कि खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे ठीक है तो बड़ी लाइट हार्टेड उसमें जब तमिना का दौलताना साहिबा का नाम लिया गया नवाज शरीफ साहब ने लिया तो उन्होंने कहा मियाँ साहब अब क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन तो उस पे सब सबने हंसना शुरू कर दिया तो मरियम बीबी ने बड़े लाइट हार्टेड में कहा कि आपा आप अब आप आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं आपने पार्टी के लिए क्या किया uh, कैसे तो प्यार से प्यार से हसीटेड right, अब इसी चीज को आप आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कोट कर रहे हो बाय ठीक है अब आप ये चलता तो यही है और बल्कि वो आ, सारी सीनियर झक्की आपा इशरत आपा सबका जो बड़ी हमारी लीडरशिप है उन सब के साथ एक हंसी मजाक चल रहा था और मियाँ साहब भी बहुत खुशगवार मूड में थे और आप यकीन माने कि फॉर पर्सन लाइक मी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मियाँ साहब हमेशा रिगार्ड करते हैं वो जब भी आपका नाम लेते हैं आपके वालिद साहब को साथ ज़रूर उनको सलाम पेश करते हैं और ये एक बड़ी रवायती और बड़ी आपको एक ना फैमिली की एक फ़ील है हमज़ा साहब हो गए शबाज़ शरीफ हो गए वो आपकी ज़रूर जाके फैमिली कनेक्शन के आप उनकी बेटी हैं कैसे हैं वो मेरा सलाम दीजिएगा तो एक बड़ी आपको एक फीलिंग ऑफ़ वो कहते हैं ना ओनरशिप फील होती है और इसी तरह सीनियर मेंबर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि उन्होंने तो उनके साथ, साथ दिया है बेगम कुलसूम के Uh, कि मेरा ख्याल है उस तरह की सियासत तो अब uh, मुझे नजर भी नहीं आती जिस तरह वो क्लोज नेट थे और जिस तरह उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया अच्छा मुझे पता है नूनली को किस पार्टी से खतरा है कोई तो होगी ना होता है अब तो किसी से नहीं <laughs> अब क्यों नहीं है मेरा ख्याल से झूठ और प्रोपागैंडा की जो सियासत थी <laughs> वो मेरा ख्याल से खुद ही अपने मुंह आप ही वो कहते ना मुंह के बल गए इसकी बात करिए आप मुझे तो समझ नहीं आई मेरा ख्याल है कि <laughs> let bygons be bygons. अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं अब देखें ना रिसेंटली जैसे अगर हम बात करें मिस्टर मियाँ नवाज शरीफ की तो पीपल वुड से उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है नाउ वन वी टॉक अबाउट मिस्टर इमरान खान फ्रॉम पी टी आई दो इज इन जेल लेकिन अभी उनको रिसेंटली एक केस से रिलीफ मिला यू नेवर नो कि इलेक्शन से पहले एक ट्विस्ट आए वो जेल से बाहर हो तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो आ हो सकते हैं जेल से बाहर और फ्लां फ्लां मुझे ऐसे लगता है कि पीटीआई ने सियासत जो है ना वो की है ऑन योर ट्विटर और ये ऑनलाइन सियासत ज़्यादा देर नहीं स्टेबल रह सकती थी बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वॉन्ट के काम हो बहुत सारे लोगों ने रियलाइज भी किया कि uh, इमरान खान को हमने uh, जो uh, एक मौका दिया Mm. और ऐसा मौका जो किसी को नहीं मिला इतनी इतनी ज्यादा रूम फॉर वो कहते हैं ना जो चार साढ़े चार साल उनके पास इतना टाइम था सारी लीडरशिप ऑपोजिशन जेलों में थी और ही हैड सो मच रूम टू शो द कंट्री दैट वो बट क्योंकि वो प्रोपागेंडा की सियासत थी कंटेनर की सियासत थी वो डिजिटल थी और वो डिजिटल ही रही और डिजिटल हाँ वहाँ पे हमारा जो था क्योंकि पी एम एल ए ने वेरी जैसा मैंने आपसे कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी पुरानी सोच हमारे मोस्ट ऑफ आर लीडर्स आर कैमरा शाय मरियम बीबी के अलावा तो हमारे लिए बड़ा नया एक कॉन्सेप्ट था कि जी ऑनलाइन भी सियासत होती है डिजिटल पे भी सियासत होती है और ये पूरा एक एरा था उधर ट्रम्प भी आया उसने भी इसी तरह एक सोशल मीडिया वॉर स्टार्ट की और हम अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ द टीदिंग फेस राइट हम अभी भी वी डोंट फील कि हम इतने कॉम्पिटेंट हैं वो हमसे बहुत आगे हैं इसके अंदर तो कहने की बात यह hmm. है कि ग्राउंड रियलिटीज और आज बहुत सारे पीटीआई वोटर्स जो हैं क्योंकि आज उनकी पॉकेट पे क्रंच हो रहा है तो उनको फील हो रहा है कि नहीं अगर बिजनेस तभी चलेगा जब मिया साहब आएंगे तो मेरा ख्याल है कि ठीक है अगर ट्विस्ट आ भी गया तो मेरा ख्याल है हमारा वोट बैंक जो है इट्स स्टिल देयर इट मे नॉट बी दैट सोशल ऑन सोशल मीडिया बट इट्स स्टिल देयर हमारा नून लीग का वोटर इतना एक्टिवली रैलियों में भी ना शायद निकले लेकिन वो वोट डालने जरूर निकलेगा ठीक है लेकिन आपकी पीटीआई में बड़ी दोस्ती है तो कोई ऐसा है जिन्होंने पीटीआई छोड़ के uh, नून लीग ज्वाइन की हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे वो दोस्तियां मेरी जनरली बुशरा आई फील के वेर ऑल कॉलिग्स हमारा पार्टी का नजरिया पार्टी के बयान पार्टी के साथ जो हमारी एफिलियेशन है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे है जब आप बाहर निकलेंगे तो मेरा ख्याल है कि यू हैव टू बी वेरी कॉर्डियल और मेरा ख्याल से ये आपके अखलाक की या आपकी आप ब्रिंगिंग है हुँ. कि आपको कभी कभार बहुत सारे लोग पार्टी के साथ बहुत ज्यादा वफादारी दिखाने के लिए वो बदतमीजी वो ग्रेशन हुँ. जो है वो बाहर भी ले आते हैं मुझे मुनासिब नहीं लगता I I think that's overacting. मुझे, मुझे no. ऐसे लगता है कि one should carry themselves with dignity. Yes and with और, place. और इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी सिंपल 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 बिल्कुल ठीक है ये बताएं मुझे कि नून लीग से आपको पीएम का कैंडिडेट कौन निकलता नज़र आ रहा है देखिए हमारी तो पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो uh, ख्वाहिश है वो मियाँ साहब है ठीक है क्योंकि मियाँ साहब के साथ जितनी बदसलूकी और जितना जुल्म और जितना अनफेयर हुआ सो आई थिंक राइट नाउ इट्स बट नेचुरल दैट वी वुड वॉन्ट हिम देयर लेकिन हैविंग सेट दैट पार्टी ने ऑप्शंस देखी होगी टॉप लीडरशिप ने कि अगर इन केस इन केस अगर मिया साहब नहीं आ सकते तो हमारे पास कौन कौन से होने planned, चाहिए हां बिल्कुल हां बिल्कुल सो डू यू थिंक एज अ बी और सी ऑप्शन अदर देन मिस्टर मियाँ नवाज शरीफ ही इज अ टॉप पर्सन देखिए जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी की तो ख्वाहिश यही होगी कि मिया साहब की अम्ब्रेला uh, के अंडर सब लोग सेकेंड ईयर लीडरशिप आए लेकिन इफ द पार्टी फील्स नवाज शरीफ देखिये वाई नॉट मरियम बीबी मरियम बीबी भी हैं शबाज साहब भी हैं लेकिन ये ये डिसीजन हो सकती हमजा साहब भी हैं वाई नॉट अच्छा मुझे ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना मैं आपको जान के छेड़ रही हूँ एनी वेज वी आर सो यूज वालों के साथ ना वो कहते हैं कि खुरेद खुरेद के कोई ना कोई हल्का स्लिप ऑफ टांग मिल जाए <laughs> नहीं नहीं ऐसा हम बहुत पक्के हो गए हैं दिस इज़ कॉल बींग वेरी स्ट्रॉग पोलिटिशन आई गेट इट आई एम इम्प्रेसड मुझे ये बताएं कि uh, मजीम नवाज शीफ जो है उनको नून लीग के जो अंकल्स हैं या और, और सीनियर सिटीजन्स कह देते हैं हम वो सपोर्ट नहीं करते यूजली उनको कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ एनी स्टेटमेंट और एनी हर एनी आइडियाज तो वाई ये क्या वजह है um, मेरा ख्याल है कि मैंने जैसे कि पहले भी बयान किया कि नून लीग बहुत पेटी आकर बहुत कंजर्वेटिव पार्टी थी जहाँ पे है। एक सर्टन टॉप टेयर लीडरशिप जिसमें सिर्फ मर्द हजरात hmm. उनका एक राज था मरियम बीबी बीइंग अ अमन बीइंग फ्रॉम अ यंगर जेनरेशन, बीइंग वेरी वोकल बीइंग वेरी डिफरेंट हैविंग डिफरेंट अप्रोच वेरी प्रोग्रेसिव वेरी मॉडर्न अप्रोच तो वो सम क्योंकि हम आप हमारे परसेंट जो है हमारी जो عوام है वो उसका ताल्लुक रूरल बैकग्राउंड से फ्यूडल मैग्नेट से जाहिर है उनका जिस तरह के जमींदारा है और उनका पंचायत सिस्टम और उनका वो वो समहाउ बीइंग आंसरबल टू अ वुमन इट्स अ पाकिस्तानी कल्चरल दे फील नो टू इट जैसे पीपल्स okay. पार्टी में uh, अगर बिलावल है तो उसको इतनी अह uh, कॉन्फ्रंटेशन uh, को सामना नहीं करना पड़ा जितना मरियम बीबी को करना being पड़ा मीन ओवर मैन ऑबवियसली वो टेंशन नहीं होती एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी दिस इज इट यस सो व्हाट मरियम बीबी इज डूइंग एंड इवन दो दैट इज द नीड ऑफ द आवर हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्रेसिव इमेज फॉर द पार्टी नहीं, नहीं वक्त के साथ जब you... तक आप नहीं चलेंगे आप बदलाव नहीं लाएंगे hmm. आप यूथ की इंडक्शन नहीं करेंगे खातिन को उनकी जगह नहीं देंगे आप एज अ पार्टी प्रोग्रेस नहीं कर सकते right, मतलब so always... उन्होंने बिल्कुल वो वो शॉर्ट कमिंग्स जो थी नून लीग में कि हमारे लीडर्स थोड़े मीडिया शाये हैं हमारे लीडर्स की अप्रोच थोड़ी सी सोशल uh, मीडिया के हवाले से हमारा सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम uh, बनाने वाली डिजिटल ऑनलाइन uh, uh, करने वाली खवतीन को प्रोग्रेसिवली uh, सियासत में लाने वाली इज मरियम बीबी नहीं नहीं अब बाय द वे शी इज आल्सो ब्यूटीफुल एंड आई रियली लाइक हर माशाल्लाह सो शी इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह एंड ऑफ कोर्स इट्स जस्ट लाइक ब्यूटी विद ब्रेन बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक मैंने बहुत पॉलिटिक्स की बातें कर ली लिया बहुत सीख लिया माशा आपसे पॉलिटिक्स का एंड रियल इम्प्रेसिव मैंने मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझे कुछ सिखाए। अब मुझे ना एक गाना भी सुना दे गाना तो मैं बिल्कुल आपको सुना दूँ पर मेरी आवाज गाने के हवाले से <laughs> बिल्कुल पैदल है कोई बात नहीं अपना फेवरेट कोई अच्छा सा सॉन्ग या उसके कोई दो जैसे ऐसे कहते हैं ना अंतरे इंडिया में तो नॉट एट ऑल आपको मैं बात बताऊं मैं मैं आई एम नोन टू रियली मेस अप द लिरिक्स इज वाइल और मेरे साथ ये है हाँ कि वैसे तो मैं खड़े होके इम्प्रॉम्प्ट टू धराधर स्पीचेस कर सकती हूँ अगर आप मुझे आज दो लाइनें भी कह देंगी ना ये आपने बोलनी है इस तरह, वो मुझसे नहीं बोली अच्छा आप। अच्छा so बोलनालिटी जब मुझे दे ना कि आपने ये काम ऐसे करना है वो नहीं होता। अच्छा। तो और गाने के सिंग्स फॉर यू जी बिल्कुल 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 और वो मुझे कहता है कि मेरा ड्रीम है कि हम कभी एक गाना इकट्ठे गाएं लेकिन तुम लिरिक्स को ऐसे तबाही मचाती हो कि वो समझ नहीं लगते जब आप दोबारा इंशाल्लाह एमपी बन जाएंगी तो उनका सरप्राइज दीजिएगा सिर्फ पहली दो लाइनें किसी गाने की आई थिंक आई शुड बल्कि आज वो, वो मेरे साथ इलेक्शन कमीशन गए थे और मेरी वैसे तो स्क्रूटनी थी कल और कल मेरी शादी की दसवीं साल के रात कॉन्ग्रेचुलेट थैंक यू तो मेरा बड़ा था मैंने कहा यू आर माई प्रपोजर एंड यू कमिंग विद मी तो आज जब बहुत देर खड़ा होना पड़ा तो इज लाइक मैंने बहुत सपोर्ट कर लिया आपको नेक्स्ट इन योर ना किसी और को प्रपोजर बनाना सो <laughs> so, नहीं नहीं डेफिनेटली बिल्कुल इमरान माय हस्बैंड्स नेम इज इमरान एजवाल हम नून ली के बुशरा इमरान है और आ, लेकिन ये है कि ये उसकी ख्वाहिश है और कभी मैं इनशाला पूरी जरूर करूँ <laughs> नहीं नहीं आप जरूर पूरी करें इतनी कोई भारी नहीं है आई थिंक यू कैन डू थिंकट वंस यूर एम पी एव्वियसली यू कैन गिव सच अटलोर ऑफ दूंगी प्लीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो शेर गुनगुना इन yes, yes, <laughs> मुझे ये बताइए की यूर फूड हीस आपके सरने में बट आता है नाचता में आप क्या चीज खाती है जो रोजकिप नहीं करती अभी आजकल तो मेरी नाश्ता जो है ना मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतना अंदर बीज और पता नहीं क्या कुछ होता है कि वैसे मेरी दिली ख्वाहिश में नाश्ता जो है फॉर कश्मीरी वो सब निहारी पाए और हलवा पूड़ी लेकिन आजकल मेरी नाश्ता जो है इट्स जस्ट सीरियल एंड ब्लैक कॉफी अच्छा आज कल आप डाइट वाला नाश्ता कर रही करिए यूजली जब मैं घर पे होती हूँ आजकल नहीं जनरली मुझे लगता है बॉडी को डिटॉक्स और वैसे भी आजकल शादियों का सीजन है तो रात को आप इतना ज्यादा खा लेते हैं कि इन द मॉर्निंग इज़ जस्ट चिया सीड्स पानी एंड जरूरी uh, है बिल्कुल बिल्कुल आप कोई आप स्टोरी बुक्स नॉवल्स कोई कोई ड्रामा देखती हूँ टीवी पे कोई कभी पसंद आता हूं? मैं को एक बात बताऊँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई स्टार्टेड वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामा और uh, मुझे किसी ने आई मेट समबडी वो जो काबुली पुलाओ के अंदर द गर्ल आई मेट हर तो वहाँ से बात शुरू हुई और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा उन्होंने एक्ट किया है तो मैं हमेशा क्योंकि वो इतना कम टाइम होता है यूजली वे वॉचिंग करंट अफेयर्स और मंसूर अली खान का शो और बीनी सलीम का और ये कि टाइम नहीं yes, मिलता yes, 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 और वो जो टाइम थोड़ा मिलता है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर लेकिन मैंने uh, अब ये तेरे बिन और काबुली पुलाओ और मैं

मैं तो कहती हूँ सियासत में इतना ज्यादा क्या अब तो वो सीजन लगते हैं और ये और वो सो so, उस वजह से ये थोड़ा सा लाइट करने के लिए और दिमाग को ब्रेक देने के लिए अच्छा मुझे ये यूजली पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप्स रहती हैं बरकरार कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आ, के अंदर ही पॉलिटिक्स आ जाती बीच है। में बहुत एक टाइम आया था जब वो खास तौर पर वोटिंग का और ये सारा के बहुत सारी बैड टेस्ट के अंदर भी चीजें हुई मैं कभी भी सोशल मीडिया पे किसी भी Uh, वो कहते ना थ्रैशिंग के उस हक में नहीं हूँ बिलो द बेल्ट कॉमेंट्स के हक में नहीं हूँ लेकिन ये कि हाँ चंद ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे कि लोगों ने बहुत पर्सनल हुआ तो मैंने बड़े तरीके से उनको अपने सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया बिकॉज टॉक्सिक एनर्जी जो है ना एट एनी पॉइंट इन लाइफ आई कॉन्ट टेक तो मेरा ख्याल है कि ठीक है अपना ओपिनियन रखो लेकिन बद तहजीबी और बिलो द बेल्ट कॉमेंट्स के लिए मेरे पास कोई yeah, जगह right. नहीं है एनी ऑफ फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस We have all these beautiful girls, mashallah, there's so much talent. Well, anyone, anyone. Mayra Khan. Before we wrap up the session, I want to know did you like some podcast? definitely definitely why am i sitting across another Bushra why yes, wouldn't I was, like it It was Bushra versus Bushra <laughs> no hai it was a, it was a lovely discussion that we had lovely conversation and uh, it's always a pleasure to interact with uh, young inspiring ladies thank you, so thank I, you. I, I I had a fantastic time thank you and how uh, did you like Bushra from summer podcast Yes, I, yes, I really, always ask the guest. <laughs> I, I really enjoyed uh, having this conversation with her. Likewise, thank you for being here, and especially taking out your precious time during such crucial days when elections are up, and everyone's you know crossing their fingers to know what's going ahead. So, thanks to you first of all, and thanks, guys, for watching us today at Summer Podcast. Obviously, which is coming back again with some another twisting episode. You never know who is on uh, our Summer Podcast as the next guest. Till then, do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast. And just stay tuned till we get back to the next episode. Bye bye.